हेलो एवरीवन राधे राधे स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में तो दोस्तों आज आखिर वो दिन आ ही गया खुशियों भरा जिसका हम सबको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था तो आज है मेरे बाबू चाचा की शादी और ये सामने बैठे हुए हैं दूल्हे राजा यानी हमारे बाबू चाचा तो आज बाबू चाचा कि बारात का दिन है आज बारात निकलेगी तो बस बारात वाले दिन घर में जो रस्में होती हैं वो रस्में शुरू हो चुकी हैं अभी दोपहर का दो बज रहा है और रस्में शुरू हो चुकी हैं पंडित जी मंडप में बैठे हैं सामने बाबू चाचा बैठे हैं और अभी दूल्हा नहाने के लिए नहीं गया है नहाने से पहले दूल्हे को जो है तेल चढ़ता है और तेल जो कुंवारी कन्या होती है वो तेल चढ़ाती है तो ये है विदुसी मेरे भैया की बेटी तो विदुसी जो है बाबू चाचा को तेल चढ़ा रही है और इसका तेल चढ़ाने का नेक भी मिलता है तो यहाँ पे विदुषी तेल चढ़ा रही है बच्चों को ना ही तेल चढ़ाना और ये सब ये जो छोटी छोटी रस्में होती ना करने में बड़ा मज़ा आता है जब मैं छोटी थी तो मुझे भी ये सब करना बहुत अच्छा लगता था तो फिलहाल यहाँ पे अभी विदुषी छोटी है तो वो जो है बाबू चाचा बाबू चाचा रिश्ते में तो ऐसे उसके बाबा लगे लेकिन वो चाचा बोलती है तो बस ये देखो अभी दूसरी को यहाँ चॉकलेट खाने भर का नेक मिल गया अपने बाबा से यहाँ पे मैं और मेरे पापा खड़े हुए हैं और मंडप में ये धीरे धीरे करके रस्में आगे बढ़ रही हैं क्योंकि जो बारात निकलेगी ना बारात तो हमारे घर से बहुत दूर नहीं बस पंद्रह मिनट की दूरी पर गेस्ट हाउस है बारात वहीं जानी है तो बस ये देखिए दूल्हा नहाने के लिए आ गया है और हमारे यहाँ गाँव में रस्में थोड़ी ज़्यादा होती हैं और आज मैं आपको पूरे गाँव के रस्मों रीति रिवाज से जो है अपने बाबू चाचा की शादी दिखाऊंगी तो हमारे यहाँ दूल्हा मंडप में आने से पहले से जो घर की सभी लेडीज होती है ना वो मिलके दूल्हे को नहलाती हैं तो यहाँ पे दूल्हे को नहलाया जा रहा है और इसकी भी जो है निछावर की जाती है और सभी दूल्हे की जो है निछावर उतार के देती हैं तो बस दूल्हा यहाँ पे मंडप में आ गया है और दूल्हे राजा को दूल्हे राजा के जो जीजा जी होते हैं वो तैयार करते हैं तो यहाँ पे ये जो हमारे फूफा जी हैं बाबू चाचा के जीजा जी तो बाबू चाचा के जीजा जी बाबू चाचा को तैयार कर रहे हैं कपड़े पहना रहे हैं और इसका भी जीजा जी का नेग होता है तो यहाँ पे फूफा जी जो है बाबू चाचा को बढ़िया से तैयार कर रहे हैं कपड़े पहना रहे हैं तो ये देखो हमारे बाबू चाचा तैयार हो गए हैं और अब यहाँ पर बाबू चाचा के बगल में बैठी हैं मेरी मम्मी तो यहाँ पर जब मंडप में मतलब कि बैठते हैं तो यहाँ पर बाबू चाचा को भी पैर कलर लग रहा है और मेरी मम्मी को भी तो सामने हमारी चाची है यानी मेरी मम्मी की देवरानी तो मम्मी के भी पैरों में कलर लगा रही हैं और बाबू चाचा तो देवर हुए तो उनके भी पैरों में चाची ने ही कलर लगाया तो यहाँ पे जो है बस मम्मी को और बाबू चाचा को कलर लग रहा है इसके बाद अभी एक के बाद एक कई सारी रस्में होने वाली हैं जो कि आपको सब देखने को मिलेंगी तो यहाँ पे अभी जो है दूल्हे का होगा सबसे बड़ा नेक काजल लगवाई तो हमारे यहाँ जो कहीं कहीं पे बुआ काजल लगाती हैं कहीं कहीं पर भाभी काजल लगाती हैं तो हमारे यहाँ तो फिलहाल दूल्हे को उसकी बुआ काजल लगाती हैं लेकिन हमारे यहाँ अभी जो है पापा लोगों की तो बुआ है नहीं जो थी मतलब वो अब यहाँ पर नहीं है मतलब अब नहीं है वो समझ जाइए आप लोग तो यहाँ पे जो है दूल्हे की भाभी दूल्हे को काजल लगाएंगी और यहाँ पे गिल्लो बुआ नीलू बुआ जो है बाबू चाचा की निछावर करके दे रही हैं तो ये देखिए जो मेरी चाची हैं छोटी वो बाबू चाचा को काजल लगा रही हैं और सामने मेरे फूफा जी आ गए हैं आ गए हैं बड़े वाले फूफा जी जो उरई में रहते हैं तो ये मेरे फूफा जी हैं सो so गायस तो यहाँ पे काजल लगाने की रस्म हो चुकी है इसके बाद हमारे यहाँ बस अभी तकली फेरने की रस्म होगी जो घर के सभी ने मतलब जो रिश्ते में जीजा लगते हैं फूफा हैं और जो भांजे होते हैं वो सब मिलके ये रस्म करते हैं और तकलीफ़ फेरने की रस्म का भी नेग होता है जैसा कि आपने भाई की शादी में देखा था और हमारे गांव में मेरे घर में गांव के रीति रिवाजों से शादी किस तरीके से हो रही है वो सारी रस्में मैं आपको दिखाती चलूँगी और कौन कौन सी रस्में हो रही हैं वो भी बताती चलूँगी और सब कुछ जैसा है वो आपको सब कुछ देखने देखने को मिलेगा तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा तो चलिए चलते हैं दोस्तों घर तो की सारी रस्में पूरी करने के बाद अब सब लोग निकल चुके हैं दूल्हे को जो घर के जो परिवार के कुल देवी देवता हैं उनका आशीर्वाद दिलाने के लिए तो सबसे पहले हमारी जो कालिका मैया है उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद यहाँ पे आ गए शिवाला शिव जी का आशीर्वाद लेने के लिए और यहाँ पे जो कुआं पूजन की विधि होती है कुआं पूजन की एक रस्म होती है तो कुआं पूजने के लिए आए हुए हैं और बीच में कुएं में मम्मी मेरी पैर लटका के बैठी हुई हैं तो जिसमें कुआं पूजने के बाद बाबू चाचा जो है मम्मी को हाथ पकड़ के कुएं से उठाएंगे और बोलेंगे कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाऊंगा तो बस यहाँ पे कुआं पूजन की विधि हो चुकी है और उसके बाद फिर जाते हैं खेतों में परछन के लिए परछन होता है मैंने भाई की शादी में ये सारी रस्में आपको दिखाई थी तो खेतों में जाया जाता है वहाँ पर परछन होता है सभी लेडीज़ घर की बहुएँ बहनें सभी मिलकर परछन करती हैं और हमारे घर में एक रस्म और होती है कि दूल्हे की भाभी या बुआ और भाभी दोनों मिलके के ये एक हाथ में मूसर लेते हैं और एक हाथ में मथानी नहीं ये दोनों लेके दूल्हे के गाल में छुआया जाता है पैरों के बीच से निकाला जाता है पांच या सात बार ये रस्म होती है तो ये है बाबू चाचा की भाभी यानी भाभी हैं और पीछे भी दूल्हे राजा की भाभी हैं तो ये जो है यहाँ पे पैरों के बीच से निकाला जाता है और एक गाल में मूसर एक गाल में जो है मथानी छुआई जाती है और फिर पैरों के बीच से निकाला जाता है तो ये हमारे यहाँ रस्म होती है ये भी हमारे यहाँ एक तरह की रस्म है हालांकि आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा लेकिन ये रस्म है तो बस गांव की शादी में इन्हीं सभी रस्मों को देखने में और इनमें शामिल होने का तो मज़ा आता है यही सब रस्में हैं जो गांव में देखने को मिलती हैं इंजॉय करने को मिलती हैं शहर की शादी तो सिर्फ़ एक अब नाम मात्र की शादी रह गई है कि बस खाली सामने फोकस होता है रस्में कुछ समझ में ही नहीं आती हैं तो फ़िलहाल गाँव की शादी का अपना ही मज़ा होता है और जो असली जो रस्में होती हैं और जो रिवाज होते हैं रीति रिवाज वो गाँव की शादी में ही देखने को मिलते हैं तो फिलहाल यहाँ पे ये सारी रस्में हो रही हैं अब यहाँ पे दूल्हे का परछन हो रहा है तो सभी ले मिलकर दूल्हे को जो है दूल्हे का मतलब परछन क्या नजर उतारती हैं और मीठा खिलाती हैं और जो भी नेक देना होता है नेक देती हैं। तो यहाँ पे सभी लोग परछन कर चुके हैं और ये देखो दूल्हे राजा की जो जेब है नोटों से फुल होती जा रही है और यहाँ पे बस अभी एक रस्म और होगी दूल्हे की माँ यानी मतलब कि आखिरी बार दूल्हे को अपना दूध पिलाती है लड़के को अपना दूध पिलाती है कि आज से मेरा अधिकार खत्म हुआ और बहू का शुरू हुआ तो यहाँ पे बाबू चाचा का जो माँ का फर्ज है वो सारा मेरी मम्मी ने निभाया क्योंकि बचपन से मेरी मम्मी ने ही बाबू चाचा को पाला है सारी देख की है एक बेटे की तरह रखा तो माँ का फर्ज सारा मेरी मम्मी ही अदा कर रही है यहाँ पर ये अधिकार मम्मी का है मेरी तो मम्मी ने भी जो ये रस्म निभाई बापू चाचा को जो आखिरी में मतलब एक दूध पिलाने की रस्म होती है वो दूध पिलाते हैं और कहते हैं कि से सारा अधिकार बहू का हुआ हमारा खत्म हुआ तो ये रस्में यहाँ पे पूरी हो चुकी थी बहुत अच्छे से हमारे यहाँ घर की रस्में थी ये सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं और यहाँ पे शाम का छः बज रहा है और बारात निकलने के लिए बिल्कुल रेडी है तो बस ये आज का व्लॉग जो ये बारात निकलने का घुड़छड़ी का जो व्लॉग है ये मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और आगे बारात जहाँ पर जानी है जहाँ पर पूरी शादी कम्प्लीट होने वाली है पूरी शादी होने वाली है वहाँ का व्लॉग मैं आपको अपने अगले वीडियो में दिखाऊँगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मेरे बाबू चाचा की शादी का पूरा वीडियो देखने के लिए जो हमारा आने वाला नया वीडियो है बाबू चाचा की शादी शुभ विवाह तो वो वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इंतजार कीजिएगा चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए टाटा बाय बाय राधे राधे जी